हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज से हम एक रूटीन फॉलो करेंगे और उस रूटीन के अनुसार हर शुक्रवार को हम एक गवर्नमेंट पॉलिसी को देखेंगे और उसके हर एक डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल। तो इस सप्ताह या इस फ्राइडे को जो हम फॉलो करेंगे और जिसको समझने की कोशिश करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे पहले 2011 में 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से आ चुका था, लेकिन 15th लोकसभा के डिसॉल्व होते ही वो बिल भी लैप्स हो गया। 2014 में फिर से इसको 122nd अमेंडमेंट बिल के नाम से लाया गया। मई 2015 तक लोकसभा ने इसको पास कर दिया। उसके बाद इसको राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास फर्दर स्टडी के लिए भेज दिया गया। उसने भी अपने रिकमेंडेशन दिए और फाइनली 2016 में जाके ये बिल पास होता है और आज के समय में GST जो है वो लागू हो चुकी है। तो आइए थोड़ा प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन की पावर आर्टिकल 246 से आती है। सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास टैक्सेशन के पावर्स होते हैं अपने अलग अलग। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनमें से कुछ के नाम हैं एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, कस्टम्स ड्यूटी। फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, एक्साइज ड्यूटी उन ड्यूटीज को कहते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे कलेक्ट की जाती है। सेल्स टैक्स, सेल्स करते वक्त जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं। सर्विस टैक्स, किसी भी तरह की सर्विसेज के अगेंस्ट में जो टैक्सेशन होती है लगाई जाती है उसको कहते हैं। ऑक्ट्रॉय टैक्स को एंट्री टैक्स भी कहा जाता है। किसी भी स्टेट के बॉर्डर से अगर एंट्री करते वक्त कोई प्रोडक्ट कहीं और जाता है तो उसको उस स्टेट में ऑक्ट्रॉय टैक्स पे करना पड़ता है। कस्टम्स ड्यूटी भी ऑक्ट्रॉय टैक्स का ही एक बड़ा फॉर्म है। बेसिकली यहाँ पर बाउंड्री जो होती है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, तो कस्टम्स ड्यूटी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद यह करते वक्त लगाया जाता है। आइए बढ़ते हैं, थोड़ी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कंट्री में एलएन झा कमेटी बैठी थी 1976 में, और उसके बाद राजा चेलिया कमेटी भी बैठी लगभग 1991 के आसपास। इन दोनों कमेटीज़ ने वैट सिस्टम को लाने की बात की, लेकिन वैल्यू एडेड सिस्टम या वैल्यू एडेड टैक्स रजीम ये 1986 के वक्त में मॉड वैट और सेंट वैट के नाम से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में ही लाया गया केवल। धीरे धीरे 2004 तक बाकी सारे स्टेट्स ने वैट सिस्टम को अप्लाई कर लिया या फिर उसको अपना लिया। उसके पहले एक्साइज ड्यूटी दोनों इनपुट और आउटपुट प्रोड्यूस पे लगाई जाती थी, साथ ही साथ इंटरमीडिएट गुड्स पे भी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होते उन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया वंस एंड फॉर ऑल जब वैट रिजीम आ गया। वैट रिजीम क्या है हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझ जाएंगे। सेल्स टैक्स भी उसी तरह का एक टैक्स है जहां पर हर एक स्टेज में, जैसे प्रोडक्शन स्टेज के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज आता है, फिर डीलर स्टेज आता है, फिर रिटेल स्टेज आता है, हर एक स्टेज पे जहाँ पर सेल्स हो रहा होता है वहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो इस कारण से टैक्सेशन के ऊपर टैक्सेशन की एक पद्धति बन रही थी या फिर एक सिस्टम बन रहा था जो कि डिस्टॉर्टिव था मार्केट के लिए और अच्छा भी नहीं था एक टोटल इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो वैट सिस्टम ने पहले वाले सिस्टम को रिप्लेस किया उसमें भी बहुत सारी खामियां देखी गई, जिसके कारण से आज के समय में हम GST अपना रहे हैं। बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स थे जिनको वैट सिस्टम से अलग कर दिया गया था। गुड्स और सर्विसेज को दो अलग अलग मापदंडों पे टैक्स किया जा रहा था, दो अलग अलग टैक्सेशन रूल्स थे उनके लिए और टैक्स रेट्स भी अलग अलग थे। तो इस कारण से एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स कलेक्शन स्ट्रक्चर बन के आ रहा था, उसके कारण से टैक्स कंप्लायंस भी कम हो रहा था। लोग जो फेथफुली टैक्सेशन रूल को फॉलो करें और टैक्स पे करें ऐसे भी बहुत कम थे। साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, इन सबको टैक्स से एग्जेम्प्ट यानी बाहर रखा गया था। तो GST को हम समझते हैं कि आखिर इसमें क्या अच्छाई है। GST भी एक तरह का वैट सिस्टम ही है, वैट रिजीम ही है, वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जो वैल्यू आप किसी भी स्टेज पर ऐड करते हैं आप एडेड वैल्यू जो यानी जो वैल्यू आपने ऐड की है उसी के ऊपर केवल आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो GST भी एक तरह का इनडायरेक्ट वैट ही है जो कि एक ऐसा टैक्सेशन रिजीम है जहां पर सिंगल टैक्स लगाया जाता है अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक ही तरह का टैक्सेशन रूल या एक ही टैक्स लगाया जाता है, और इसी कारण से इसमें जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि इसका ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लोगों को आसानी से समझ में आता है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी एक तरह का वैल्यू एडेड सिस्टम है या वैल्यू एडेड टैक्स है, जैसे मैंने आपको कहा। इसके आने से जो जब ये सिंपल हो जाता है, जब टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो जाता है तो लोग जो टैक्स पे करना चाहते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। साथ ही साथ सिंपल होने के कारण से प्राइसेस के दाम भी कम हो जाते हैं और टैक्स बेस में भी बहुत सारे लोग यानी जो टैक्स पे कर सकेंगे ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती है। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन, हमारी आर्थिक व्यवस्था में जितनी सारी विसंगतियाँ होती हैं, इंटर स्टेट जो वेरिएशंस होते हैं, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में टैक्स अलग होने के कारण से कोई
स्टेट में फेवरेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ हो जाए होता जाता है काफ़ी लंबे समय तक, तो इन इन तरह की विसंगतियों को भी दूर किया जाता है एक ही देश के अंदर। तो जीएसटी की कुछ खास फीचर्स को हम देखते हैं। जीएसटी हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई किया जाए ऐसा मान्यता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स को या कुछ सर्विसेज को शायद अलग किया जा सकता है। जैसा फिलहाल के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग किया गया है। 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट, उनके पास पावर होगी इनके ऊपर लॉ बनाया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर होगी, वो IGST यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कह सकते हैं, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिवाई करेगी, यानी वो वही लगाएगी और वो कलेक्ट करके उसको उस स्टेट के ऊपर दे देगी या उन स्टेट को दे देगी जहां से बेसिकली प्रोडक्ट की सप्लाई ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिनेटिंग जहां से प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है उनको वो दे देगी। जो इंटीग्रेटेड टैक्सेशन सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड GST जो बनाया गया है, इसको 2 साल के लिए फिलहाल के लगाया गया है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर GST काउंसिल ऐसा रिकमेंड करती है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो भी GST काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में लॉ के जरिए फॉर्मुलेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर GST काउंसिल में कौन कौन है, किन लोगों से बना है ये GST काउंसिल। GST काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। यूनियन गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस के इंचार्ज होंगे, वो भी इसके मेंबर रहेंगे। हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मनोनीत या नॉमिनेटेड फाइनेंस या फिर टैक्सेशन का जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा, वो भी इसका मेंबर होगा। GST काउंसिल अपने डिसीजंस को पास करने के लिए 3/4 का बहुमत लेगी। सेंटर के पास इसमें 1/3 की पावर होगी डिसीजन लेने में और स्टेट के पास कुल मिला के 2/3 की पावर होगी। आइए देखते हैं कि GST काउंसिल के पास पावर क्या क्या रहेंगे, वो कर क्या कह सकता है। वो डिसाइड कर सकता है कि किस तरह के टैक्सेस को, सेसेस को या सरचार्ज को सबस्यूम कर लिया जाए या फिर मिला लिया जाए GST के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज किनको हटाना है या फिर किनको बाहर रखना है GST से के परव्यू से, इसको भी GST काउंसिल ही डिसाइड करती है। कितना रेट, कितना इनकम या रेवेन्यू होने के ऊपर वालों को GST पे करना पड़ेगा, उस रेट को या फिर उस बेंचमार्क को भी GST काउंसिल ही डिसाइड करती है। किस रेट से GST अप्लाई होंगे उसको भी डिसाइड GST काउंसिल ही करेगी। मॉडल GST लॉज, किसी भी तरह के GST के लॉज को, किस सिद्धांत पे GST को अप्लाई करना है, किस सिद्धांत पे इसका बंटवारा होना है, इससे रिलेटेड सारे लॉज GST काउंसिल ही बनाएगी। साथ ही साथ हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के लिए अलग प्रोविजंस जो हैं वो भी GST काउंसिल डिसाइड कर सकती है, उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर्स GST काउंसिल के पास ही जाएगा। किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर होता है उसके सॉल्व करने के मैकेनिज्म में भी GST काउंसिल की ही रिकमेंडेशंस को माना जाएगा। अब आती है बात कॉम्पनसेशन की, कि अगर किसी भी हालत में स्टेट्स को अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने में परेशानी होती है या उनको शुरुआती दौर में लॉसेज होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें 5 साल तक, मैक्सिमम 5 साल तक उनको उनके लॉसेज के लिए कॉम्पनसेट करेगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज की स्लाइड का वो ये है कि हमें देखना है कि GST काम कैसे करता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान लगा के देखें, हम कोशिश करेंगे कि हमें इसे एक बार में ही समझ जाएं। यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने कुछ तो इस एग्जांपल में आपको कुछ हेड्स दिख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स कॉस्ट, रिटेलर्स मार्जिन, टैक्स पेबल, फाइनल प्राइस पेड, इंक्लूसिव टैक्सेस। तो हम ये इस एग्जांपल को समझने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। पहला सिंप्लीफिकेशन ये कि हम ये मानते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो 100 रुपये होगा, तो हम दोनों ही केस में मान लीजिए जिसमें पहले का सिस्टम चल रहा था और जिसमें अभी का सिस्टम चल रहा है, यानी GST जो आने वाला है वो चल रहा है, दोनों के केस में इनपुट प्राइस जो होगी या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो 100 रुपये होगा। 100 रुपये के ऊपर हर एक स्टेज में जो टैक्सेशन सिस्टम होगा वो रेट ऑफ टैक्स होगा 10% हर तरह का टैक्स। तो अगर हम टैक्स ऑन रॉ मटेरियल पकड़ते हैं और इसको अगर हम 10% पकड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर बनता है चार्ज 10 रुपीज़। तो 100 के ऊपर 10% 10 रुपीज़। वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर है वो है 20 रुपीज़, तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20। अब जो टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर होगा, जो इतने ऐड किया है उसके ऊपर हम टैक्स 10% लगाते हैं, तो वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर या टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर 10% के हिसाब से 2 रुपीज़ होगा और GST के केस में भी वही 2 रुपीज़ होगा। अब आती है बात रिटेलर्स कॉस्ट की, तो रिटेलर के पास जो टोटल कॉस्ट बन के आता है, अगर आप इसको ऐड करें ये 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 और ये, तो ये बन के आता है 132 रुपीज़। सिमिलरली GST के केस में भी ये बन के आता है 132 रुपीज़। जो फर्क पड़ता है अब वो आने वाला है। मान लीजिए रिटेलर अपने लिए 20 रुपये का मार्जिन रखता है, दोनों ही केस में उसने 20 रुपये का मार्जिन रखे। अब जो टोटल कॉस्ट बन के आता है वो है 152 रुपीज़ दोनों के केस में, 152 रुपीज़। लेकिन
यहाँ पर जीएसटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जीएसटी कहता है कि आपने जो फाइनली वैल्यू ऐड किया है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है आप वही पे करेंगे। तो जीएसटी के केस में जो टैक्स पे करना होगा, जो टैक्स का इंसिडेंट होगा, वो 20 के ऊपर आएगा और वो होगा 2 रुपीज़ का। तो टोटल जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 100, टोटल जो प्राइस बनेगी इंक्लूडिंग टैक्स होगा फाइनल स्टेज में वो 154 होगा जीएसटी के केस में। अब आते हैं हम जो पहले का सिस्टम चल रहा था उसमें, अब ये बन जाता है 152 रुपीज़, जो बनता है आफ्टर रिटेलर मार्जिन को ऐड करने के बाद। अब जब टैक्स पे करना आता है तो फाइनली हम सेल्स टैक्स पे करते हैं, और सेल्स टैक्स की खूबी ये है कि आप जितना अमाउंट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 152 रुपीज़ अगर है तो आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा 15 रुपीज़ एंड 20 पैसा। तो आपका जो टोटल अमाउंट या फाइनल प्राइस जो होगा इंक्लूडिंग टैक्स वो अप्रॉक्सीमेटली 167.20 पैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले के जब सिस्टम चल रहे थे टैक्स के, उसमें आपको 167 रुपीज़ एंड 20 पैसा पे करना पड़ रहा था, लेकिन जब जीएसटी रेट लगे और कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं उस पर ही केवल टैक्स लगा रहे हैं, ये जो सेल्स टैक्स का आपने यहाँ पर लगा दिया है 15, सेल्स टैक्स जो आपने लगाया है 10% टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर, उसने सारा का सारा गेम बिगाड़ दिया। तो जीएसटी के केस में आप पे करते हैं 154 रुपीज़, इसमें आपका टोटल टैक्स जो है आप 14 रुपीज़ पे कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपने टैक्स एक यहाँ पे कर रखा है, आपने टैक्स एक यहाँ पे कर रखा है, और आपने टैक्स एक यहाँ पे कर रखा है, तो टोटल आपका टैक्स बनता है 14 रुपीज़ का। जबकि इस केस में जो पहले वाला सिस्टम था उसमें आपने टैक्स पे किया है 15 रुपीज़ 20 पैसा यहाँ पे, आपने टैक्स पे किया है 2 रुपये यहाँ पे, आपने टैक्स पे किया है 10 रुपये यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पर जो टोटल टैक्सेशन आप पे कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 27 रुपीज़ 20 पैसा है। तो आपको यहाँ पर अंतर पता चल जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए, मैं आपको वहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने एक्स्ट्रा पेज लेकर रखा था ताकि आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं हम देख लेते हैं जल्दी से आज की जीएसटी के अंदर क्या क्या हैं। जीएसटी के बिल के अंदर से जो ह्यूमन कंजम्पशन की जो अल्कोहलिक लिकर है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी उनको बाहर रखा गया है। साथ ही साथ 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको भी फिलहाल के लिए जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। वो हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन और किसी अन्य आने वाले डेट से इनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, और ये भी डिसाइड किया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही। Alternatives to IGST, देखिए टास्क फोर्स जो बनी थी 13th फाइनेंस कमीशन में, उन्होंने सजेस्ट किया था कि IGST के बदले में एक दूसरा टैक्सेशन सिस्टम या दूसरी तरह का एक मॉडल लेके आएँ। तो उन्होंने मॉडिफाइड बैंक मॉडल की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो एक नोडल बैंक बना दीजिए। उस नोडल बैंक में सेलर स्टेट जो जीएसटी चार्ज करेगा कंजम्पशन स्टेट से, उस जीएसटी अमाउंट को उठा के वो नोडल बैंक में डाल देगा। बाद में नोडल बैंक जो होगा वो उसको कंजम्पशन स्टेट के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह के मॉडल को रिकमेंड किया गया था ताकि गवर्नमेंट इसमें ना आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ना आए, एक्स्ट्रा काम उसको ना करना पड़े, जिसके कारण से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और डिस्प्यूट्स आ जाते हैं बाद में, उनको फिर से जीएसटी काउंसिल सुलझाना पड़ेगा। इस तरह की विसंगतियां या इस तरह के प्रॉब्लम्स बाद में ना आए, इनको हटाने के लिए नोडल बैंक का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टू अवॉइड एनी डिस्टॉर्शंस और कैस्केडिंग इफेक्ट, और फाइनल कंजम्पशन जो है वो टोटल टैक्स अक्रूज टू स्टेट वेयर फाइनल कंजम्पशन इज लोकेटेड। तो जहां कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है वहां टैक्स भी ज्यादा जा रहा है, ये फिलॉसफी को फॉलो किया गया था, लेकिन आज के समय में वैसा नहीं है। दोस्तों, मैंने आज की क्लास के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट PRS इंडिया और इंटरनेट से ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर किसी भी तरह का फीडबैक है, कैलकुलेशन के रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट होता है, आप काइंडली फीडबैक सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, आप वहां पर लिखें। आप इस क्लास को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फाइनली जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलते हैं फ्यूचर में आपको तुरंत पता चल जाएं, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में मिलने में सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।